अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बजट कंस्ट्रेंट या फिर जिसको हम बजट लाइन कहते हैं वो क्या होता है। देखिए, बजट कंस्ट्रेंट जब हम अपनी डेली लाइफ में डिस्कस करें तो हर किसी के एक घर के अंदर एक एक इनकम होती है मंथली, आप उसको किसी भी शक्ल में कह सकते हैं। अब वो इनकम जो है वो आपके घर में जिस बड़े की भी इनकम होती है या इवन आप ही की इनकम क्यों ना हो या आपके घर में जितने भी लोग कमा रहे हो उन सबकी इनकम को इकट्ठा करना। उसके बाद होता ये कि कहते हैं कि आपके घर में जो भी आपके हाउस होल्ड की जो भी चीज़ें लाना ये वो जिसकी जिम्मेदारी होती है वो फिर एक बजट बनाता है। वो बजट बेसिकली क्या होता है, वो बजट ये होता है कहते हैं कि किस तरीके से मुझे इन पैसों से क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। अच्छा, चूंकि आपकी जो इनकम होती है या जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं जिससे आपको अपने आगे की कंजम्पशन करनी होती है और ये चीज़ें खरीदनी होती हैं वो लिमिटेड होती है, और लिमिटेड होने की वजह से वो एक कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। कंस्ट्रेंट क्यों? क्योंकि ये एक बाउंड्री है, इससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है। ठीक है, हाँ, एक केस में आप ज़रूर जा सकते हैं, वो उस वक्त जब आप क्रेडिट ले सकें यानी उधार के ऊपर ले सकें, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पे बात करते हैं तो वो कहते हैं पॉसिबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब वो मे भी आपकी इनकम के साथ साथ आपको क्रेडिट भी हो, लेकिन वो भी आपको कोई अनलिमिटेड नहीं मिल सकता कहीं से, तो एक लिमिट फिर भी होगी। तो उस लिमिट में रहते हुए आप किस तरीके से अपने गुड्स को एक कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है। अच्छा, ये क्वांटिटी आप किस तरह डिसाइड करते हैं? लाजमी सी बात है, आपका कोई ना कोई टेस्ट होगा, आपकी कोई प्रेफरेंसेज होंगी, आपकी कोई विलिंगनेस होगी, ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी आप डिमांड कर रहे होंगे, फिर आप उनके प्राइसेस को देखेंगे, फिर आप उन प्राइसेस के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं अपनी इनकम के अंदर अगर एक चीज़ इतनी लेता हूँ तो दूसरी चीज़ मैं कितनी ले सकता हूँ। कैसे कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ लेते हैं, अपनी इनकम आपकी जो है वो एक सर्टेन अमाउंट होती है, लेट सपोज 1000 रुपीज़, आप 500 रुपये की एक कोई गुड खरीद लेते हैं, तो लाजमी सी बात है फिर आपके पास चॉइस क्या रहेगी कि आपके पास रिमेनिंग सिर्फ 500 रुपीज़ रह गए। अब आपको जो भी परचेजिंग करनी है वो उससे करनी है, जो आपको पैटर्न बनाना है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपको उस 500 में वो पूरा हो जाए। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से बजट बनाते हैं कि आप कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं। सिंपल वर्ड, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बजट लाइन डिपिक्ट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी अफोर्ड बाय द कंज्यूमर विद इन विद द गिवन इनकम। कंस्ट्रेंट मींस लिमिट एंड बजट मींस द पैटर्न टू स्पेंड द इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। वो एग्जांपल क्या है? अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये कि हमारे पास जो है ना वो जब हम ग्राफ में समझा रहे हो तो इकोनॉमिक्स में जब भी सिंप्लिसिटी के लिए हम हर चीज़ टू गुड्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टू गुड्स जो हैं वो आपको ग्राफ पे भी प्लॉट हो सकते हैं और बड़ी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और अगर आप टू गुड्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर चाहे कितने भी गुड्स हों आप सबके कॉम्बिनेशन इसी तरीके से बनाते हैं कि अगर मैं एक चीज़ ले रहा हूँ इतनी तो फिर मैं दूसरी चीज़ कितनी लूँगा, तो फिर अगर तीसरी चीज़ कितनी लूँगा, और इक्वेशन फॉर्म के अंदर भी टू गुड्स जो हैं वो बड़ी ईजिली हैंडल हो जाते हैं। तो इसीलिए एग्जाम्पल भी टू गुड्स की है कि सपोज करें कि आपके पास दो अशियाँ हैं, एक एप्पल एक मैंगो। अच्छा, अब एक को जो है हम y एक्सिस के ऊपर रखेंगे, एक को हम x एक्सिस के ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब चाहे हम उसको एप्पल को x एक्सिस पर रखें या मैंगोस को x एक्सिस के ऊपर रखें और y एक्सिस के ऊपर उसके अपोजिट वाले को रखें। सपोज करें कि प्राइस जो है एप्पल का वो है PKR 1 रुपी पर KG कह लें, सपोज, या पर यूनिट कह लें, जबकि हमारे यहाँ पे इसको KG के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है मैंगोस को भी, तो चलें पर KG के एग्जाम्पल ले रखें, कोई मसला नहीं। ठीक है, PKR 1 रुपी का 1 KG एप्पल है और 5 रुपए के 1 KG मैंगोज हैं, और आपके पास जो इनकम है या जो आपकी कंस्ट्रेंट है, क्योंकि कंस्ट्रेंट क्यों, क्योंकि आपके पास लिमिट ही है, वरना चाहते तो आप इससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास इनकम ही इतनी है, कितनी, 100 रुपीज। तो अब आप बताएं कि आप किस तरीके से एप्पल और मैंगोज के कौन कौन से कॉम्बिनेशन को आप अफोर्ड कर सकते हैं इस इनकम में रहते हुए, क्योंकि बेसिकली अफोर्डेबिलिटी ही दिखाता है बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं बस यही कॉम्बिनेशन जो कि उस बजट लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। जब आप नीचे होंगे अगर उस बजट लाइन से कर्व के, तो लाजमी सी बात है कि फिर आप अपनी पूरी इनकम को स्पेंड नहीं कर रहे होंगे, और अगर आप अपनी इनकम को स्पेंड कर रहे हैं जो भी आपने कंजम्पशन पे लगानी है तो वो आपका फिर बजट लाइन पे होगा और आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं। ठीक है, तो अब आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला है जो कि आपको नज़र आ रहा है।
एम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स क्या है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स, प्लस पी वाई इंटू वाई यानी प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमें क्या नजर आ रहा है कि देखें इनकम बराबर किस किस के होने चाहिए, एक तो प्राइस होगा एक्स का और एक प्राइस वाई का होगा, फिर इनकी क्वांटिटीज होंगी। तो यानी इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बनेगा कि जैसे कि अगर 10 रुपये आपने एक्स पे लगाया और 5 क्वांटिटी ली तो 50 रुपये यहाँ हो गए, तो बाकी के आपके पास कितने बच गए 50। तो अब उस 50 रुपये के अंदर क्योंकि 5 रुपये मैंगो की प्राइस है तो आप कितने ले सकते हैं उसके अंदर, तो ये इस तरीके से आप इसको डिसाइड करेंगे। अब हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखें अब इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने इस फॉर्मूले में अपनी एग्जाम्पल वाली वैल्यूज डाल दी है, 100 हमारी इनकम थी एम की जगह पे डाल दी क्योंकि एम वहाँ पे इनकम थी, इज इक्वल टू 1 जो है वहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स क्या था, प्राइस ऑफ एप्पल क्या थे 1 था, तो मैंने प्राइस ऑफ एक्स की जगह पे 1 लिख दिया। एप्पल क्या हो गया हमारा आप कह लेंगे कहते हैं कि जो एक्स की क्वान्टिटी थी वो होगी एक्स हो, प्लस 5 मैंगोज, अच्छा 5 क्या 5 जो है वो दूसरी क्वांटिटी की प्राइस थी, दूसरे गुड की प्राइस थी, और मैंगोज जो है मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वाई जो है उसको मैंगो कंसिडर किया। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन कॉम्बिनेशंस को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो किसी भी ग्राफ के एक्सिस को ढूंढना होता है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स, वर्टिकल एक्सिस या कह लें वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, वो निकालने की वजह से आपको ये होता है कि आपको ग्राफ का 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पता चल जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि इनके दरमियान रहते हुए कोई और से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अच्छा वो एक्सट्रीम पॉइंट कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकलते हैं कि किसी एक गुड को आप जीरो कर देते हैं, जीरो का मकसद ये कि आप लेट सपोज उसकी कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम नहीं कर रहे तो उस इनकम में रहते हुए किसी एक गुड की आप कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं कि भाई मैं एप्पल की अगर मैं सारा का सारा पैसा एप्पल की तरफ लगा दूँ अपनी इनकम तो मैं कितना कंज्यूम कर लूँगा एप्पल को, और सारा का सारा अगर मैंगोज की तरफ लगाऊँ तो मैं कितना कर सकता हूँ, तो यानी मैक्सिमम रेंजेस पता चल जाएंगी, उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो इनके इन रेंज के दरमियान में ही होंगे। कैसे निकलेगा वो, लेट सपोज जैसे आपको सबसे पहले निकाल लीजिए कि एप्पल की मैक्सिमम क्वांटिटी, तो आप क्या करेंगे मैंगोज को की वैल्यू को जीरो रख देंगे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आपने यहाँ पे मैंगोज की वैल्यू को जीरो रख दिया, ठीक है, और क्या हुआ 5 × 0 जीरो हो गया, 1 एप्पल रह गया यानी 1 × एप्पल, एप्पल आपका क्वांटिटी है। अब एप्पल क्योंकि क्वांटिटी हमें पता नहीं है हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 और एप्पल आपस में क्या थे फॉर्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 1 उठ के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 / 1 100 ही रहता है, तो इस तरीके से क्या एप्पल की वैल्यू आ गई, यानी मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं एप्पल 100 कंज्यूम। इसी तरीके से आप मैंगोज के लिए जाएंगे, सेम गोज फॉर मैंगोज, क्या आप मैंगोज की किस तरह निकालेंगे, एप्पल को जो है वो जीरो रख देंगे और इस तरीके से जो मैंगोज हैं जो 5 लिखा हुआ है उसके साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 0 तो 0 हो जाएगा, और 5 मैंगोज में से जो 5 है वो उठ के नीचे आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू किस तरफ 100 के, तो 100 / 5 मैंगोज की वैल्यू 20 बच जाएगी। तो इस तरीके से नाउ यू गॉट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, 1 फॉर एप्पल एंड 2 फॉर मैंगोज। एप्पल विद इन द गिवन इनकम वी कैन कंज्यूम 100 यूनिट्स ऑफ एप्पल बिकॉज एज द प्राइस ऑफ एप्पल इज 1 एंड वी हैव इनकम ऑफ 100 रुपीज। ऑन कॉन्ट्रेरी पॉइंट अगर हम इसको देखें मैंगो को, तो मैंगो जो है वो 100 रुपये के अंदर क्योंकि 5 उसके 1 केजी के प्राइस है तो हम 20 केजी उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स पता चल। अब जैसे कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ एज वी नो द एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, तो अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि अब आप किसी भी या मैंगोज की या एप्पल की कोई भी वैल्यू आप रखें उसके अंदर, और रखने के बाद किसी भी कोई भी वैल्यू, अब जैसे 0 तो आपने पहले रख दी थी ना, तो 0 से तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए थे, अब लेट सपोज आप कोई और सी वैल्यू रखें मैंगो की 2 रखें 4 रखें, क्योंकि देखिए अब आपको पता है कि 0 मिनिमम वैल्यू है हर चीज़ की और मैक्सिमम क्या थी मैंगोज की हमने पीछे देखा 20, यानी 0 से लेकर 20 के दरमियान में हमें कुछ कॉम्बिनेशंस और दिखाने होंगे, अगर लेट सपोज हमें दिखाने तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सा भी पॉइंट रख सकते हैं। इसकी बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अगर जैसे 3 पॉइंट्स चाह रहे हैं या 4 पॉइंट्स चाह रहे हैं तो आप उस 20 और 0 के दरमियान को 4 से डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से आपके इक्वलाइज पॉइंट आते हैं। जैसे कि अगर 20 मैक्सिमम है और आपको कुछ 4 पॉइंट्स इसके बीच में चाहिए तो वो क्या हो सकते हैं, आप 20 / 4 कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, उस 5 से क्या होगा
कि आपके पास बीच के 3 पॉइंट्स आ जाएंगे और एक एक्सट्रीम पॉइंट ऊपर वाला और एक एक्सट्रीम पॉइंट नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी जीरो वाला जहाँ पे मैंगोज 0 कंज्यूम हो रहे होंगे और एक जगह पे जहाँ पे मैंगोज 20 कंज्यूम हो रहे होंगे। खैर हमने यहाँ पे क्योंकि मैंने एक टेबल बनाना था जो मैंने उसके आगे बनाया है, उसके पीछे मैंने 4 पॉइंट्स रखे हैं। यानी एक एक्सट्रीम पॉइंट वो जहाँ मैंगो 0 क्वांटिटी है, फिर उसके बाद वो जहाँ मैंगो 4 है, जहाँ फिर तीसरा 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, और फिर लास्ट पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ 20 के 20 हम मैंगोज कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हम पूरी इनकम लगा रहे हैं मैंगोज की। तो देखें लेट सपोज, जैसे कि कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ पॉइंट शो करने के लिए होता है ये बीच में। तो आपको ग्राफ की लाइन तो मिल जाती है एक्सट्रीम पॉइंट से, कैसे, आपने 4 रखा चेक करने के लिए। अब 4 रखा तो क्या हुआ, 5 × 4 = 20, यानी ये 20 क्या हुआ, 20 ये आ गई मैंगो की वो मतलब वो इनकम, 20 इनकम जो है वो 20 रुपीज कह लें आप मैंगो के ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, इसको स्पेंड कर रहे हैं। क्यों, किस तरीके से, कि आप 4 किलो मैंगो ले रहे हैं जो कि 5 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये 20 यहाँ प्लस में था, 100 के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास खाली 80। और सेम अगेन जो है कहते हैं कि क्योंकि 1 प्राइस है एप्पल, तो 1 को आप उधर लेके भी जाएंगे तो वो 80/180 रहेगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि अगर मैंगोज आप 4 क्वांटिटी आप मैंगोज की लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप जो है वो एप्पल की एप्पल जो है वो आपको कितने का पड़ रहा हो, आपको एप्पल की कितनी क्वांटिटी मिल रही होगी 80, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको बाकी आपके पास कितने रुपए बच गए थे, 100 में से 20 तो मैंगोज पे लग गए, बाकी 80 रुपीज बच गए, और 80 जो है क्योंकि 1 रुपए का 1 केजी मिल रहा है तो 80 केजी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने नीचे लिखा, मीन्स 1 कॉम्बिनेशन कैन बी 80 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज। सिमिलरली वी कैन मेक मैनी कॉम्बिनेशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, बिलो आई मेक द टेबल ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन एट दीज प्राइजेस एंड इनकम। एग्जैक्टली, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने जो टेबल बनाया, देखिए टेबल आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें एक सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा, एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ एप्पल 100 है और मैंगो 0 है, जैसे कि हमने ये भी निकाला था, और सबसे लास्ट पॉइंट देखा जहाँ एप्पल 0 है और मैंगोज 20 है, ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट जो हमने निकाला, और एक पॉइंट मैंने निकाला ये वाला जो कि बी पॉइंट है, जब मैंने मैंगोज 4 रखा तो एप्पल मेरे पास 80 आया। अब जो नीचे के 3 पॉइंट है ये मैंने खुद से कैलकुलेट करके निकाले, आप खुद रख सकते हैं कि एक बार आप 8 रखें मैंगोज को और फिर देखें कि 60 आ रहा है एप्पल या नहीं, फिर 12 रखते हैं फिर 16 रखें, इस तरीके से आपके पास ये पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि देखें ये जो एक्सिस है ना, एक्चुअली जो नीचे वाला है ये आपका एप्पल का एक्सिस है और ये आपका मैंगोज का एक्सिस है, ठीक है, मैंगोज ऑन बाय एक्सिस एंड एप्पल ऑन एक्सिस। अब देखें क्या हुआ, 0 जब एप्पल्स थे तो कितने आप मैंगोज ले रहे थे, 20। जब आपने 20 एप्पल परचेज करना शुरू करे तो आपके मैंगोज कितने हो गए, 15 से ऊपर कर लें 16, 40 पे आपके ये 12 हो गए, 60 पे आपके ये 8 हो गए और 80 पे आपके ये 4 हो गए, और जब आप 100 एप्पल आपने कंज्यूम करना शुरू करे या पूरे पूरी इनकम आपने एप्पल्स पर लगा दी तो ये 0 हो गए, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि आपके ये ग्राफ ड्रॉ हो गया और आपको ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए। अब आप चाहें तो आप ये पॉइंट्स ना रखें, आप कोई और वैल्यू ले लें, लेट सपोज यानी ऐसे मैंने 4 मैंगोज की रख के ली थी, आप 3 करके देख लें, आप 2 करके देख लें, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो होंगे इसी लाइन के ऊपर जब आप इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने सबसे पहले निकाल लिए और ये सबके यूनिक होंगे, तो यूनिक कह रहा हूँ एक जैसे होंगे, बाकी आप बीच वाले पॉइंट्स आपका जो दिल चाहता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन, ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद मैं क्योंकि इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा वो ये कि अब देखिए लाजमी सी बात है एक ग्राफ बन गया, लेकिन इसमें शिफ्ट भी हो सकता है, इसमें टिल्ड भी आ सकता है। टिल्ड का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा इधर उधर मूव भी हो सकता है ये। अब वो कैसे होगा, देखिए टिल्ड उस सूरत में आता है जब प्राइस किसी भी गुट के चेंज हो जाए, टिल्ड का मतलब कि एक तरफ से वो इनवर्ड मूव हो जाएगा या बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, और शिफ्ट का मतलब जो कि पूरा का पूरा आगे या पीछे, वो ऐसे होगा कि मे बी इसकी इनकम चेंज हो गई। अब इनकम चेंज अगर होगी, क्योंकि इनकम यहाँ पे जो है वो एक्सोजिनस फैक्टर है, क्योंकि देखें आपको वो ग्राफ पे नज़र नहीं आ रहा कहीं, लेकिन इनकम ही मेन चीज़ है जिसकी वजह से बजट कंस्ट्रेंट बन रहा है, तो इनकम अगर चेंज होगी तो आपका कर्व आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा और ये फार्मूले के अंदर आप बिल्कुल वैल्यूज रखेंगे तो खुद ब खुद आपको नजर आएगा कि आपका ग्राफ शिफ्ट हुआ है या टिल्ड हुआ है अगर आप सही करेंगे। तो अभी हम प्राइस का केस देखते हैं, इनकम का आप लोग खुद करेंगे। तो देखें सपोज करें कि अब एप्पल के प्राइस बढ़ गए हैं, पहले वो 1 रुपी थे अब वो 2 रुपीज़ हो गए,
ठीक है, तो अब 2 रुपीज़ की वजह से क्या हुआ है, जैसे मैं इसको यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो चलें अब देखें अब क्या हुआ, अब थोड़ा फिर से चेंज हो गया। अब एप्पल की जो प्राइस थी पहले यहाँ पे 1 आ रहा था फॉर्मूले में, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, 2 एप्पल्स और 5 मैंगोज, 100 इज इक्वल टू 2 एप्पल प्लस, अब क्या करा हमने फिर से एक्सट्रीम पॉइंट निकालने थे तो 0 रखा, और अब एप्पल देखें पहले एक्सट्रीम पॉइंट 100 आ रहा था, अब एप्पल का 50 आ रहा है क्योंकि प्राइस डबल हो गए, तो इसलिए क्वांटिटी भी हाफ हो चुकी है क्योंकि आपका इनकम लिमिटेड है। लेकिन मैंगोज की क्वांटिटी के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, मैंगोज का एक्सट्रीम पॉइंट वही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें 2 को 0 भी इधर रखें एप्पल को, तो अगेन प्राइस मैंगो के तो 5 ही है, तो जब 100 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो वही 20 आएगा। तो मैंगोज की एक्सट्रीम पॉइंट को कुछ नहीं होगा, सिर्फ एप्पल का एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो कम हो गया, तो यानी उसका पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मैंने इनकी क्वांटिटीज को वापस उसी तरीके से कॉम्बिनेशन को चेंज करा है, मैंने मैंगोज के कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करा, जो मैंने पहले रखे थे वही रखा, लेकिन देखें ये रखने के बाद जब मैंने उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी तो अब मेरी वैल्यूज इसके बजाय ये आ रही न्यू क्वांटिटी, और इसकी वजह से अब ये आप खुद निकाल सकते हैं आई होप, और इसकी वजह से जब मैंने बजट लाइन अपनी बनाई तो देखें ये जो रेड वाली लाइन है ये वो लाइन है, इसको हम बाद में कर देंगे, मेरे ख्याल में ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, लेकिन जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाया था कि एप्पल क्वांटिटी ये 100 वाली है, तो ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ना 100 वाली, ये पुरानी क्वांटिटी है ठीक है एप्पल की, और ये न्यू क्वांटिटी है, और देखिए न्यू क्वांटिटी में आपको क्या हुआ, ये एप्पल का एक्सेस है और ये मैंगोज का एक्सेस है इस पर इस ग्राफ में, तो देखें मैंगो के पुराना और नया एक ही था, लेकिन देखें पहले 100 पे थे आप यहाँ पे, अब आपकी जो बजट कंस्ट्रेंट है वो टिल्ट हुआ और इनसाइड मूव हो गया, और इनसाइड मूव होने के बाद ये 50 के ऊपर आ गया, और अब देखें वैल्यूज जो सारी नीचे आ गई, ये कब होगा जब आपके प्राइस चेंज होंगे, अगर किसी एक गुड के प्राइस चेंज होंगे तो नीचे एक तरफ टिल्ट हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सॉरी तो अगर बढ़ेंगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कम होंगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ठीक है टिल्ट हो जाएगा, अगर दोनों के प्राइसेस एक साथ कम होंगे तो दोनों जो है अपने एक्सेस को छोड़ के नए एक्सेस के ऊपर आ जाएंगे, जब आप ये ग्राफ करेंगे तो हो जाएगा, और इनकम भी इसी तरीके से अगर इनकम चेंज होगी और बाकी प्राइसेस सब सेम रहेंगे तो फिर क्या होगा आगे पीछे बजट कंस्ट्रेंट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आई होप क्या कहते हैं कि ये आपको समझ आया होगा कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है और इसकी वर्किंग एग्जांपल क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें और मुझे कमेंट में फीडबैक दें कि आपको इनकम का आपको समझ आया नहीं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ मैं आगे बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू।